ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए। अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा, काहे 3 खाली, ये कोई तरीका है? सब एक एक चीज को देखना चाहिए। टीएनटी न्यूज के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रिंकी वाजपेयी। बिहार सेवा आयोग की 75वीं सालगिरह पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे पटना के अधिवेशन भवन में। जी हाँ, आपको बता दें जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वह मौजूद थे और बिहार के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने सबको बधाई दी और यह भी कहा जो बीपीएससी में 6 सदस्य होते हैं उनमें से 3 ही सदस्य हैं, 3 और सदस्य जो हैं वो क्यों नहीं मनोनीत किए गए हैं, इसी बात को लेकर वो फटकार लगाते हुए भी नजर आए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप भी सुने। अब आप लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है, देखिए अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से ही सब काम हो जाए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हम एक बार कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है। भाई आप ये देख लीजिए, आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है, यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी, तभी ना हम इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर आईएएस अफसर वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं। और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहे, एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए, तो अगर जरा भी कोई समस्या हो कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए, आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। और नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो वो कहां ध्यान दे रहा, तो चीफ सेक्रेटरी को देखना ना चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे और दूसरों के बारे में कह रहे थे, सुन रहे थे, तो काहे 3 खाली? ये कोई तरीका है? सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें और ज्यादा चीजों को कमी, पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दें? और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें। और दूसरी बात है, अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ हैं अब उसमें कोई कमी आ गई है, भाई ये कमी तो नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग 75वें साल में आ रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको है जरूरत तो कृपा करके, खाली हम 3 उनके लिए नहीं कह रहे हैं, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, कहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद ना होगा पूजा पाठ, अभी आप पहले बतिया लीजिए, यही पर मीटिंग खत्म होगा, जान लीजिए कौन कौन पद खाली है, हम इनको भी छोड़ देते हैं दीपक को, यही पर जान लीजिए ताकि एक एक चीज को बहुत तेजी से, इनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने, नीतीश कुमार जमकर गुस्सा भी कर रहे हैं, 6 सदस्य पूरे होने चाहिए वो फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अभी तक आपने डीएनए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।